हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सॉल्ट के बारे में, नमक। दोस्तों, नमक में मैग्नीशियम, पोटाशियम, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। नमक पानी से पोछा अवश्य लगाएं। बाहर से जो महंगे पोछे के लिक्विड लाके पोछा पोछे के पानी में हम इस्तेमाल करते हैं, उससे खर्चा भी होते हैं और रिजल्ट भी बहुत अच्छी नहीं मिलती। एक चम्मच नमक पोछे के बाल्टी में अगर हम डाल देते हैं और रोज़ घर में पोछा लगाते हैं, उससे कोई काली मूंगी, कीड़ा कोई घर में आते नहीं है। साथ ही साथ कोई भी नेगेटिव ऊर्जा जो घर में प्रवेश कर जाते हो, जिसे हम खाली नेत्र से देख नहीं सकते, वो सब भी दूर हो जाएंगे। कभी घर के किसी स्थान पर काले मूंगियों के झूठ दिखते हैं, है ना? कुछ कीड़ा मर गए या किसी भी कारण से कोई मीठा चीज़ गिरा हुआ था, तो वहाँ पे बहुत सारे काले मूंगियों की झुंड जमा हो जाते हैं, वो आहार इकट्ठा कर रहे होते हैं। पर दोस्तों, उसको भगाने के लिए हम उसको हटा देंगे या गीला कपड़े से पोंछ देंगे, वो मर जाते हैं, वो सही नहीं है। अब वहाँ पे क्या करो, थोड़ा सा नमक छिड़का दो आसपास, देखना वो मूंगियाँ सारे अपने आप चले जाएंगे और उन मूंगियों को घर के बाहर कहीं चीनी छिड़क देना, टेरेस के कॉर्नर पे या बालकनी के बाहर कहीं पे, तो उसे भोजन मिल जाएंगे उन सारे मूंगियों को। और कहते हैं ना, जैसे करोगे जितना करोगे उसका 10 गुना आपके जीवन में वापस आते हैं, यही प्रकृति का नियम है। तो आपके जीवन भी मिठास से भर जाएंगे। दोस्तों, नहाने के पानी में नमक अवश्य मिला के नहाए, उससे मन के जो नेगेटिव विचार आते हैं ना, उन सारे नेगेटिव विचारों के नाश हो जाते हैं। गर्म पानी में नमक डाल के पीने से सर्दी, जुकाम, गले के दर्द में आराम मिलते हैं। नमक एंटीबायोटिक के काम करते हैं। दोस्तों, किचन में काम करते करते कहीं वक्त हमारे हाथ जल जाते हैं, गरम तेल छिटकने से हमारे स्किन में थोड़ी सी जलन लगती है, कुछ भी ऐसे सिचुएशंस होते हैं ना, तो तुरंत उसमें थोड़ी सी नमक लगा ले, 15 मिनट के अंदर वो जलन गायब हो जाती है। मेरी खुद की एक्सपेरिमेंट है एंड एक्सपीरियंस है। और नमक पानी से अगर आप स्किन को धोते हैं, स्क्रब करते हैं, तो जो फेस के जो भी गंदगी होते हैं ना, वो सारे बहुत आसानी से निकल जाते हैं और वो अपना फेस, अपना स्किन ना बहुत नेचुरली ग्लो करने लगते हैं। तो है ना, नमक बहुत फ़ायदे का। दोस्तों, ऐसे हज़ारों फ़ायदे हैं। तो नमक सिर्फ घर के स्वाद के लिए ही नहीं, हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा, अवश्य शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।